3, 2, 1. आतश नगर थाना अंतर्गत लॉकडाउन में बंद दुकान से हजारों का तांबा चोरी। पालरा में मोटर बाइंडिंग की दुकान से चोरी किया गया तांबा, परिवादी ने थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट। आतश नगर थाने के सब इंस्पेक्टर कन्हैया लाल ने बताया कि 6 जून को परिवादी मोहर सिंह ने थाने पर प्रस्तुत होकर एक रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि लॉकडाउन के दौरान उसकी पालरा स्थित मोटर बाइंडिंग की बंद दुकान के ताले तोड़कर अज्ञात चोरों ने हजारों रुपए के तांबे के तार व अन्य सामान चुरा लिए। मोहर सिंह की रिपोर्ट पर थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने दुकान का मौका नक्शा बनाकर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहाँ आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। कल दिनांक 6/6/2021 को श्री मोडा परिवादी श्री मोहर सिंह ने पूछा, बताया कि मेरी पालरा में एक दुकान है मोटर वाइंडिंग की, उसको दिनांक को 2 दिन पहले मैं लॉक लगा करके चला गया था। कल आकर के देखा तो उसमें से कॉपर तारे चोरी होकर चला गया, जिसकी रिपोर्ट हमने दर्ज कर ली है। मुलजिमों की तलाश जारी है। उसमें कॉपर है 65 किलो। ओके, मुकदमा दर्ज कर लिया है, तलाश जारी है मुलजिमों की। मदार चुंगी स्थित जैन मंदिर के सामने ब्रिज से टकराया ट्रांसफार्मर से लदा ट्रेलर, ट्रांसफार्मर का गैलन टूट कर गिरा सड़क पर। हजारों लीटर तेल सड़क पर बहने से कई वाहन हुए दुर्घटनाग्रस्त। मदार चुंगी स्थित जैन मंदिर के सामने सोमवार सुबह एक ट्रेलर में लाए जा रहे विद्युत विभाग के ट्रांसफार्मर के ब्रिज से टकराने की वजह से ट्रांसफार्मर में लगा गैलन टूट कर सड़क पर गिर गया, जिसमें भरा हजारों लीटर ऑयल सड़क पर बिखर गया। सड़क पर ऑयल फैलने से फिसलन हो गई, जिसमें कई दोपहिया वाहन चालक फिसल कर चोटिल हो गए, तो वहीं आसपास रहने वाले लोग व बच्चे सड़क पर फैले ऑयल को भरकर घर ले जाते हुए नजर आए। प्रत्यक्षदर्शी संजय भट्ट ने बताया कि विद्युत विभाग की क्रेन ट्रांसफार्मर व सड़क पर गिरे गैलन को उठा कर ले गई। उसके बाद किसी भी अधिकारी या विभाग ने यहाँ कोई सुध नहीं लिया है, जबकि तेल से फिसलन यथावत बनी हुई है। यहाँ पर कुछ लोग खड़े रहकर वाहन चालकों को सूचित कर रहे हैं, यदि कोई विभाग या संबंधित अधिकारी यहाँ फैले हुए तेल पर मिट्टी डलवा दे तो दुर्घटनाएं रोकी जा सकती हैं। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। आज ये करीब 9:30 बजे की घटना है, एक ट्रांसफार्मर जो कि एक ट्रेलर के अंदर ओपन ट्रेलर था उसमें आया, और यहाँ से इस साइड से वो निकल रहा था रॉन्ग साइड से, तो ये पुलिया का जो कॉर्नर का हिस्सा, उस पर पिलर का हिस्सा जो है वो उसके ट्रांसफार्मर में टकरा गया, और उसका कोई बेलन, गोलाकार कोई बेलनाकार कोई हिस्सा था, वो टूट के नीचे गिर गया, और वो गिरने से उसके अंदर जो भी फ्यूल ऑयल रहता है ट्रांसफार्मर के अंदर, ऑयल भरा हुआ रहता है,
और वो ऑयल क्या पूरा बिखरने लग गया रोड पे, और काफ़ी सारा करीबन 2,500-3,000 लीटर ऑयल होगा वो पूरा ऑयल पे बिखर गया, और काफ़ी सारी गाड़ियां अब यहाँ से निकली तो कई लोग गिरे भी हैं, जिनके चोटें भी आई है कई लोगों के, कम से कम 7-8 गाड़ियां यहाँ स्लिप हो चुकी है इस ऑयल में। अभी तक कोई प्रशासन की ओर से आए हैं? अभी तक कोई भी प्रशासन की ओर से नहीं आया है, RACV वाले आए थे, विद्युत विभाग वाले, तो वो अप क्रेन लेकर आए थे, तो टूटा हुआ जो बेलन का हिस्सा था उसको वापस से उसमें ट्रक में लोड करवा के वो उसको ट्रांसफार्मर को लेके चले गए। उसके बाद में कोई भी यहाँ पूछने नहीं आया कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के बैनर तले समस्त जिला मुख्यालयों पर मुख्यमंत्री के नाम सौंपे ज्ञापन। लॉकडाउन के दौरान बेतहाशा बढ़े बिजली के बिलों में राहत देने की मांग। पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के बैनर तले जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। सुरेश सिंह रावत ने बताया कि पूरे प्रदेश भर में समस्त जिला मुख्यालयों पर जिलाधीश के माध्यम से राज्य सरकार व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन देकर ग्रामीण व शहरी घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली के बिल माफ करने की मांग की गई है। उन्होंने बताया कि एक तरफ तो कोरोना महामारी की वजह से लॉकडाउन लगा हुआ है, उस पर भी फ्यूल चार्ज सरचार्ज आदि लगाकर अनाप शनाप बिजली के बिल भेजे जा रहे हैं। बिना रीडिंग के औसत बिल भेजकर सरकार व विद्युत विभाग अपना खजाना भरने में लगी है, जबकि महामारी में रोजी रोटी को मोहताज उपभोक्ताओं को बिजली के बिलों में राहत दी जानी चाहिए थी, लेकिन संवेदनहीन सरकार व आलाकमान उपभोक्ताओं का गला काटने में जुटे हैं, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकान है, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहाँ आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। जनता पार्टी किसान मोर्चे की तरफ से पूरे राजस्थान प्रदेश के अंदर जिला मुख्यालय पे सभी कलेक्टरों को हम ज्ञापन दे रहे हैं, और जिस तरह से कोरोना काल के अंदर ताबड़तोड़ बिजली के बिल आ रहे हैं और इस कोरोना महामारी से पूरी दुनिया जूझ रही है, मानवता के नाते सरकार को चाहिए था कि किसान और आम आदमी घरेलू उपभोक्ताओं के बिल माफ़ करे, लेकिन उल्टा माफ़ करने के बजाय ये बढ़ा के दे रहे हैं, कभी फ्यूल चार्ज के माध्यम से, कभी सरचार्ज के माध्यम से। तो आज हम सभी जिला मुख्यालय पे कलेक्टर को ज्ञापन दे रहे हैं, आज अजमेर भी जिलाधीश को ज्ञापन देना है कि इस हमारे बिजली के बिलों को माफ़ किया जाए। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के देहात अध्यक्ष भैरू लाल बुला ने बताया कि सरकार ताऊते तूफान से किसानों की फसलों को हुए नुकसान का आकलन कराकर मुआवजा दे और बिजली के बिलों में राहत दे। इसी मांग को लेकर आज प्रदेश भर में समस्त जिला मुख्यालयों पर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन दिए गए हैं। मुल्ला खान माननीय कलेक्टर महोदय से आए राजस्थान प्रदेश भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा द्वारा कोरोना काल के अंदर जो ये 2 महीने का बिल या 2.5 महीने का जो चल रहा है उसको माफ़ करें, और ये ताऊ तूफान आया उसके अंदर जो किसानों को नुकसान हुआ उसकी भरपाई सर्वे करवा के उसकी भरपाई करके किसानों को राहत दिलाए। इसलिए पूरे प्रदेश भर में आज किसान मोर्चा द्वारा प्रत्येक कलेक्टर महोदय के ज्ञापन दिया जा रहा है। बमलाल बोला अजमेर देहात अध्यक्ष किसान मोर्चा। जिला परिषद में जिला स्थापना समिति की बैठक, 123 शिक्षकों की स्थायी नियुक्ति के आदेश जारी। शिक्षक स्थायीकरण, शिक्षकों की परिवेदना, कोविड हेल्थ सहायक भर्ती वे वैक्सीनेशन सहित अन्य प्रकरणों पर हुई विस्तृत चर्चा। जिला परिषद में सोमवार को जिला प्रमुख सुशील कंवर पलाड़ा की अध्यक्षता में जिला स्थापना समिति की बैठक संपन्न हुई। जिला स्थापना समिति की बैठक में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर गौरव सैनी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर मुरारी लाल वर्मा, जिला शिक्षा अधिकारी अंजना शुभम सहित संबंधित विभागों के अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में शिक्षक स्थायीकरण, शिक्षकों की परिवेदना, कोविड हेल्थ सहायक भर्ती, ग्रामीण अंचलों में वैक्सीनेशन सहित अन्य प्रकरणों पर विस्तृत चर्चा कर अनुमोदन किया गया। जिला प्रमुख सुशील कंवर पलाड़ा ने बताया कि वर्ष 2018 से लंबित प्रकरण में 123 शिक्षकों के स्थायीकरण के आदेश जारी किए गए हैं। वहीं पूर्व में 1000 से ज़्यादा शिक्षकों के स्थायीकरण किया जा चुका है। आगामी मीटिंग में लंबित प्रकरणों की जाँच पड़ताल कराकर उनके भी आदेश जारी कर दिए जाएंगे।
उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा टीकाकरण हो इसे लेकर लोगों से अपील की है कि वे भ्रांतियों में ना उलझें। उन्होंने खुद भी समाजसेवी भंवर सिंह पलाड़ा के साथ वैक्सीन की दोनों डोज लगवाई हैं और वे पूर्णतः स्वस्थ हैं। इसलिए कोरोना को हराना है तो ज़्यादा से ज़्यादा और जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाना होगा। इस मौके पर समाजसेवी भंवर सिंह पलाड़ा सहित जिला परिषद के अन्य अधिकारी मौजूद रहे। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहाँ आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। आज हमारे जिला परिषद में डीसी की मीटिंग थी, इसमें कम से कम 2,800 ये प्रकरण चल रहा था, इसमें 123 लोगों को हमने स्थायीकरण दिया है और बाकी के हमने कम से कम 1,000 लोगों को पहले दे चुके और बाकी के और है वो भी हम उनकी जांच पड़ताल करके हम नौकरी स्थायीकरण देने का प्रयास कर रहे हैं। मैडम, ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना काफ़ी फैल रहा है, आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं यही अपील करना चाहूँगी कि हर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को वैक्सीन से डरना नहीं चाहिए, लेकिन पहले लोगों को भय हो गया था, पता नहीं क्या होगा, वैक्सीन नहीं लगाएंगे। लेकिन मैं तो खुद भी 2 बार पलाड़ा साहब ने और मैंने दोनों डोज हमने लगा लिया है और मेरा यही अपील है मेरी कि सब लोग वैक्सीन लगाए और सुरक्षित रहे और भगवान से यही प्रार्थना करूँगी कि जल्दी से कोरोना का खात्मा करे और जनता दुआ करूँगी। डोर स्टेप डिलीवरी के नए ठेकेदार महेश कुमार के खिलाफ राशन डीलर्स का नहीं थम रहा आक्रोश। मामले में सेटलमेंट की व्हाट्सएप पर भ्रामक पोस्ट डालकर रसद विभाग के अधिकारी संगठन को कर रहे हैं बदनाम। ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन अजमेर इकाई द्वारा खाद्य वितरण निगम के नए ठेकेदार महेश कुमार द्वारा की जा रही हठधर्मिता के खिलाफ आक्रोश व्याप्त है। अजमेर जिले में उचित मूल्य की दुकानों पर गेहूँ सप्लाई करने के लिए आनंद फानन में KVSS को हटाकर महेश कुमार नाम के ठेकेदार को नियुक्त किया गया है, जो भारतीय खाद्य निगम के साथ मिलकर काम कर रहा है। इसके द्वारा दुकानों पर समय पर माल नहीं पहुंचाना, माल पूरा तोल कर नहीं देना, डीलर से बदतमीजी गाली गलौज करके बात करना दर्शाता है कि इस घोटाले में निगम के अधिकारी भी लिप्त हैं। ठेकेदार की अभद्रता व राठौड़ी के खिलाफ राशन डीलर्स लगातार जिला कलेक्टर और जिला रसद अधिकारी को ज्ञापन देने के साथ ही ऑनलाइन PMO पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज करा चुके हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। उल्टा जिला रसद विभाग के पदस्थ प्रवर्तन अधिकारी मैडम अंकिता और हिमानी द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मिथ्या प्रचार प्रसार फैलाया जा रहा है कि डीलर्स एसोसिएशन की टीम को अब सेटिस्फाई कर दिया गया है और ठेकेदार के साथ उनका कोई इशू नहीं रहा, इसलिए अब डीलर भी इस मैटर में सहयोग करेंगे, जो कि गलत और भ्रामक है। बिना वजह के संगठन को बदनाम करने के लिए DSO विभाग द्वारा यह बातें व्हाट्सएप पर डाली जा रही हैं। प्रदेश सचिव सुरेश कुमार सैनी ने ज्ञापन के माध्यम से जिन अधिकारियों द्वारा व्हाट्सएप पर फेडरेशन को कलंकित और बदनाम करने का प्रचार प्रसार किया गया है, उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई करते हुए न्याय दिलाने की मांग की है। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहाँ आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। चक्कर में आए हैं कि हमारे को एक तो जो गेहूं दे रहे हैं बिना तोले दे रहे हैं और बिना उसके दे रहे हैं, जबकि नियम राज्य सरकार के नियम ये है कि तोला के लोगे, जबकि डीलरों को तोल के नहीं दे रहा, उसमें कम उतर रहा है। उसके बाद भी कई बार अवगत करा दिया, कलेक्टर महोदय को अवगत करा दिया, DSO ऑफिस में अवगत करा दिया, उसके बाद एक गाड़ी हमने जब पकड़ी उसमें गेहूं कम मिला, जो कि इस अधिकारी की फर्ज रपट मनाई थी, उसके आज तक क्या करा क्या नहीं करा, जबकि इनके इंस्पेक्टर ये बोर्ड से पहिए चलाते हैं कि हमने कंप्रोमाइज़ कर लिया। किसने कंप्रोमाइज़ करा ये तो ये लिख के देवे हमारे को कि हमने कौन पदाधिकारी ने हमने इस संगठन को बदनाम करने पर तुले हुए अधिकारी। तो सारे राशन विक्रेता, आप कितने राशन विक्रेता हैं? हम पूरे राशन विक्रेता हैं,
जो जो पदाधिकारी हैं, प्रदेश सचिव सुरेश कुमार सैनी, महावीर अजमेरा अध्यक्ष पद, हमारे अशोक जैन है, सलाहकार महोदय, इस तरह से हम ज्ञापन देने आए, क्योंकि कोरोना के अंदर 5 आदमी से ज़्यादा ज्ञापन दिया नहीं जाता है। कितनी दुकानें ऐसी है जिन पर ये राशन नहीं पहुँच पा रहा है सर? अभी कम से कम 223 दुकानें सिटी में ऐसी है जिन पर पूरा कम मिला है, पर अधिकारी उस चीज़ को सुनने को अधिकार सुन ही नहीं रहे। आज इतने इतने मेल मुख्यमंत्री तक मेल कर दिए, उसके आज तक कितने समय हो गया इस चीज़ को? ये इसी महीने हो रहा है। नया ठेकेदार आया है जो ये इस तरह से कर रहा है, जबकि पुराना ठेकेदार जो पुराना चल रहा था वो हमारे को तोल के दे रहा था, हम संतुष्ट थे, अब इस नए ठेकेदार ने हमारे को बड़ा तंग कर रखा है। इस अवसर पर ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर फेडरेशन के प्रदेश उपाध्यक्ष आशीष शर्मा, प्रदेश सलाहकार अशोक जैन, शहर अध्यक्ष महावीर जैन सहित कई राशन डीलर मौजूद रहे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संगठन सेवा भारती द्वारा की जा रही भोजन सेवा का समापन। कोरोना काल में निरंतर सेवाएं प्रदान करने वाले लोगों को सम्मानित कर किया उत्साहवर्धन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनुसांगिक संगठन सेवा भारती समिति के तत्वाधान में कोरोना महामारी के बीच 3 मई से कोरोना संक्रमितों व उनके परिवारों को भोजन मुहैया कराने के लिए भोजन सेवा का शुभारंभ किया गया था। 71 भोजन पैकेट के साथ शुरू की गई भोजन सेवा बीच में 1100 भोजन पैकेट प्रतिदिन देने लगी और आज भी लगभग 450 फूड पैकेट का वितरण निरंतर किया जा रहा है। 3 मई से शुरू हुई भोजन सेवा का आज 7 जून को भोजन सेवा में जुटे कोरोना योद्धाओं का सम्मान करते हुए समापन कर दिया गया। पटेल मैदान के पास राजहंस वाटिका में कोरोना योद्धा भोजन बनाने वाले, टेम्पो में घर घर भोजन देने वाले साथियों और सहयोगियों को माला पहनाकर, दुपट्टा उड़ाकर और प्रमाण पत्र व उपहार देकर सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राजस्थान अजमेर केंद्र क्षेत्र सेवा प्रमुख शिव लहरी ने बताया कि लगभग 15 लोगों की टीम, 10 कार्यकर्ता व 2 टेम्पो चालक निरंतर सेवा में जुटे रहे, जिन्हें आज सम्मानित करते हुए हर्ष हो रहा है। जरूरत पड़ी तो आगे भी भोजन सेवा को फिर से सुचारू किया जा सकता है, फिलहाल इस सेवा को यहीं विराम दिया जा रहा है। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहाँ आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। क्या चल रहा था उदाहरण? सेवा भारती अजमेर द्वारा पिछले 3 मई से आज तक, यानी आज 7 जून तक, कोरोना से पीड़ित ऐसे समाज के बंधुओं को, चाहे वो हॉस्पिटलाइज हैं या क्वारंटाइन है, या ऐसे भी बंधु हैं जिनके परिवार में कोरोना पीड़ा के कारण से कोई बचा नहीं, ऐसे बंधुओं के परिवार, या फिर परिवार में कोई भी भोजन बनाने लायक नहीं है, सब कोरोना से पीड़ित हैं, या बाहर ग्रामीण क्षेत्र से जो बंधु यहाँ आकर के अपने परिवारजन का इलाज करवाने के लिए आए हैं, ऐसे परिजन, उन सब के भोजन की व्यवस्था का यह काम पिछले 3 तारीख से शुरू किया, और उस शुरू करने के कारण आज तक ये लगातार भोजन वितरण बना रहा है। 1100 भोजन पैकेट प्रतिदिन तक देने की व्यवस्था रही है। 400 से भी ज़्यादा दलिय के पैकेट, दलिया बनाकर तैयार करके देने का ये कार्य ये बना रहा दिया गया है। सबकी इच्छा रहती थी कि सेवा भारती के द्वारा आया हुआ भोजन ये अच्छा भोजन है, घर का जैसा है, इसलिए इसको ज़्यादा पसंद करते थे। वैसे अनेक संस्थाओं ने सहयोग किया है, अनेक संस्थाओं ने इस प्रकार के भोजन पैकेट वितरण किए हैं, सेवा भारती भी उनमें से एक है, पर यह कार्य लगातार करते रहने से समाज में एक विश्वास जगा है, अच्छा रहा है। ऐसा ये कार्य, सेवा का कार्य, परमार्थ का कार्य, अनेकों सेवा के कार्यों में से एक कार्य यहाँ अजमेर में यहाँ करने का कार्य यहाँ जो किया है, ये जो बनाने वाले बंधु हैं, भोजन जनों की टीम थी, किसमें भोजन बनाने वालों की लगभग 15 बंधु माता बहनें और पुरुष थे, 10 ऐसे कार्यकर्ता थे सेवा भारती के
जिन्होंने घर घर जा कर के जहाँ आवश्यकता थी वहाँ पॉइंट तय कर रखे थे, वहाँ ले जा कर के भोजन वितरण करते थे। दो टेम्पो थे, उन्होंने भी सेवाएं दी है और उनके रात दिन उनके सहयोग से इस प्रकार का ये वितरण का कार्य यहाँ चला, वो सबके लिए अच्छा और प्रेरणादायक है। आज उनका सम्मान समारोह का कार्यक्रम है जिन्होंने इतनी मेहनत करके रात दिन एक करके किया। रात को चाहे कोई देर से भी आया हो तो भी भोजन मिला, भोजन बनने के बाद में और विश्रांति का समय है उस समय भी कोई आया तो उनको भी भोजन देने का ये कार्य किया। ऐसा ये कार्य यहाँ पर संपन्न हुआ। ऐसे कोरोना वायरस इस बंधुओं को इस प्रकार का सम्मान करने का कार्य आज हो रहा है। शुरू कितने पैकेट से करा था? 71 पैकेटों से ये भोजन वितरण का कार्य शुरू हुआ और आज 1100 से ज़्यादा पैकेट तक बीच में गए, अभी थोड़ा कम हुए हैं, 400 से 450 के करीब पैकेट अभी भी जा रहे हैं। 900 आज इसका समापन है। आज इस शाम का भोजन वितरण करने के बाद इसका समापन हो जाएगा, फिर और आवश्यकता लगेगी तो बाद में देखेंगे, पर आज यहाँ इसका पूरा कर रहे हैं। आवास और ऑक्सीजन बजट की व्यवस्था भी थी। कार्यक्रम में सेवा भारती के प्रांत मंत्री मोहन खंडेलवाल सहित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संत कुमार व अन्य पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। तीर्थ नगरी पुष्कर राज में पुलिस मित्र टीम की निस्वार्थ सेवाएं निरंतर जारी। पुष्कर सहित आसपास के गांवों में पुलिस मित्र टीम लगातार वन्य जीवों का बचा रही है जीवन। कोरोना महामारी के इस दौर में गर्मी के मौसम की आहट होते ही वन्य जीवों का रिहायशी इलाकों में भोजन की तलाश में भटकते हुए पहुंचना प्रारंभ हो गया है। पुलिस मित्र टीम द्वारा लगातार 2 वर्षों से आमजन को सांपों सहित अन्य वन्य जीवों का जीवन बचाने हेतु जागरूक किया जा रहा है और आमजन में ये जागरूकता दिखाई भी देने लगी है। अब आमजन वन्य जीवों को देखते ही मारने की बजाय पुष्कर में निस्वार्थ व निःशुल्क कार्य कर रहे एकमात्र टीम पुलिस मित्र को सूचना देकर इन्हें जंगलों में सुरक्षित छुड़वाने लगे हैं। इसी क्रम में टीम को नज़दीकी ग्राम गनाहेड़ा के पूर्व सरपंच विजय सिंह से जानकारी प्राप्त हुई कि उनके घर के बाहर गली में एक गोयरा पत्थरों के ढेर में जाकर छुप गया है, जिससे सभी मोहल्लेवासी डरे हुए हैं और भय व्याप्त है। सूचना प्राप्त होते ही पुलिस मित्र टीम इंचार्ज अमित भट्ट के साथ रेस्क्यूअर राजेंद्र वच्छानी, सांवरा शर्मा, अजय नाथ, मुकेश देवड़ा तुरंत मौके पर पहुंचे और करीब 15 मिनट में पत्थरों के ढेर में छुपे हुए गोयरा को पकड़कर काबू किया व उपस्थित मोहल्लेवासियों को गोयरे के बारे में जानकारी देकर भयमुक्त किया। बाद में वन्य अधिकारियों के निर्देशन में गोयरे को जंगल में छोड़ दिया गया। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकान है, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान जहाँ आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। बताएं, यह आज गांव कनाडा के अंदर ये शिव मंदिर के पीछे अपना मकान है, तो यहाँ पे क्या बच्चे घूम रहे थे तो एक कोई जंगली जानवर गोयरा टाइप का, गोयरा ही था वो, तो हमने तो कभी कम देखा है, तो बच्चे डर गए थे और आसपास में सारा आना जाना बंद हो गया बच्चों का। तो इन्होंने फिर मेरे को बताया, तो मैंने पुलिस मित्र को फ़ोन किया, मेरे मित्र राकेश, उनको अमित जी भट्ट को, राकेश जी भट्ट के छोटे भाई साहब को, तो वो तुरंत पधारे और उन्होंने मतलब पत्थरों के ढेर के अंदर से निकाला। मतलब इतना मुश्किल काम था कि मतलब वहाँ 2 घंटे लग जावे अगर 2 आदमी हो तो, डर भी अलग है, लेकिन उन्होंने इतनी निडरता से उसको पकड़ा और मैं बहुत आश्चर्यचकित रह गया। मैंने मतलब ऐसा रेस्क्यू मतलब अपने लाइव कभी देखा नहीं है, बाकी रोज़ डेली उनका अखबार में आता है। बड़ा मतलब आश्चर्यचकित रहता हूँ कि यार ये अमित भैया कैसा काम करते हैं यार। तो इससे क्या है कि जानवर का जीवन भी बचता है और जो आसपास में जो लोग रहते हैं ना उनका भी जीवन मतलब सुरक्षित होता है, क्योंकि ये डर भय जानवर है तो खाते ही खाते हैं ये। तो आपने बहुत बड़ा ये पुण्य का काम कर रहे हैं पूरी पुलिस मित्र वाली टीम, और आपको बहुत बहुत साधुवाद बधाई पुष्कर राज महाराज की, आप पे कृपा बनी रहे और निरंतर आप ऐसा ही कार्य करते रहें। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मतलब 10 मिनट के अंदर पधार कर और इस समस्या का समाधान किया।
टीम पुलिस मित्र को सूचना मिली थी कि नजदीकी ग्राम कनेड़ा में शिव मंदिर के पीछे पत्थरों के ढेर में एक गोरा छुपा हुआ है। फिर उसको हमने 15 मिनट के सर्च ऑपरेशन के दौरान प्राप्त किया और फिर उसको सुरक्षित वन क्षेत्र में वन अधिकारियों के निर्देश पर छोड़ दिया और आसपास के जो वहाँ मौजूद आमजन थे उनको भयमुक्त करके राहत प्रदान करी। केंद्रीय रोडवेज बस स्टैंड कार्यालय में सोमवार से 50% कार्मिकों के साथ कार्य शुरू। सरकार की नई गाइडलाइन आने का इंतजार। रोडवेज बसें साफ सफाई और सैनिटाइजेशन के साथ तैयार। 10 जून से संचालन हो सकता है शुरू। राज्य सरकार की ओर से जिला मुख्यालय को मिले निर्देशों के मुताबिक राजस्थान रोडवेज में सोमवार 7 जून से 50% ऑफिस स्टाफ के साथ कार्यालय खोल दिए गए। केंद्रीय बस स्टैंड अजमेर आगार के मुख्य प्रबंधक जावेद अली हाशमी ने बताया कि फिलहाल मुख्यालय द्वारा 50% ऑफिस स्टाफ को कार्यस्थल पर आने की अनुमति दी गई है, जिसकी अनुपालना करते हुए ऑफिस के कामकाज शुरू कर दिए गए हैं। पेंडिंग पड़े कार्य निपटाए जा रहे हैं। इसी तरह रोडवेज वर्कशॉप और डिपो में भी 50% स्टाफ के साथ बसों का रखरखाव, साफ सफाई व सैनिटाइजेशन का कार्य कराया जा रहा है। मोहन वॉच एंड मोबाइल। अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहाँ आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। मुख्यालय की कल गाइडलाइन जारी हो गई थी, तो उसके हिसाब से 50% स्टाफ के साथ हमने आज ऑफिस भी शुरू कर दिया हमारा, और वर्कशॉप भी शुरू कर दिया, जिससे गाड़ियों का मेंटेनेंस हो जाए, उनकी साफ सफाई हो जाए, सैनिटाइजर वगैरह जो सैनिटाइजर हो जाए गाड़ियों का, जिससे कि जब भी अब मुख्यालय की गाइडलाइन आएगी तो हमारा ऑपरेशन शुरू कर देंगे, बसों को चलाने लग जाएंगे। आज से किस तरह के काम काज शुरू हो गए? ऑफिस के जो भी काम थे वो सारे शुरू हो गए 50% स्टाफ के साथ, अल्टरनेट है उसमें, और वर्कशॉप का भी जो मेंटेनेंस का काम है, सारा साफ सफाई का काम है, वो सारा शुरू हो गया है आज। और अब जो भी अग्रिम जैसा भी मुख्यालय निर्देश देगा और जो भी एडवाइजरी जारी होगी, जो भी गाइडलाइन जारी होगी, उसके अनुरूप संचालन शुरू करें। CBS अजमेर आगार के प्रबंधक प्रशासन अशोक भारद्वाज ने बताया कि नई गाइडलाइन में जैसे भी निर्देश मिलेंगे उसके अनुरूप बसों का संचालन भी शुरू कर दिया जाएगा। डिपो में सभी बसों को साफ सफाई व सैनिटाइजेशन के साथ तैयार कर रखा है। रनिंग स्टाफ को भी ऑनलाइन तैयार रहने के निर्देश दिए जा चुके हैं। बस स्टैंड भी पूरी तरह से साफ सफाई व सैनिटाइजेशन के साथ यात्रियों के स्वागत हेतु तैयार कर रखा है, सिर्फ आदेशों का इंतजार है। आज से रोडवेज में काम काज शुरू हो गया, किस तरह से चल रहा है और कैसा लग रहा है आज के दिन? तो वो 50% स्टाफ के आधार पे अभी हमारे ऑफिस में कार्यवाही चल रही है। अब इसके बाद में हमारे संभवतः 10 तारीख से सरकारी वाहनें चलने लग जाएंगी। आज कितना स्टाफ आया? आज स्टाफ 50% स्टाफ के आधार पे। किस तरह से काम हो रहा है? बाकी जो काम तो जो पेंडिंग पड़ा हुआ है और जो रोटेशन का काम है वो तो चलता ही रहा है, वो चल रहा है। आपका नाम? अशोक भारद्वाज, प्रबंधक प्रशासन, CBS अजमेर। द स्मार्ट अजमेरियन का कोरोना काल में सामाजिक सरोकार। पड़ाव इलाके में लोहार परिवारों को कच्ची राशन सामग्री का किया वितरण। कोरोना महामारी के बीच लागू लॉकडाउन के चलते पिछले एक महीने से द स्मार्ट अजमेरियन संस्था जरूरतमंद लोगों की मदद व कोरोना से बचाव के लिए लोगों को जागरूक करने का कार्य कर रही है। संस्था के अध्यक्ष सोना धनवानी ने बताया कि इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए सोमवार को पड़ाव स्थित रैन बसेरा के आसपास झुग्गी झोंपड़ियों में निवास करने वाले घुमंत लोहार जरूरतमंद 15 परिवारों को कच्ची राशन सामग्री के किट, जिसमें आटा, दाल, चावल, मसाले व सब्जियां आदि वितरित किए गए। इस अवसर पर सोना धनवानी, गिरीश आसनानी, दिनेश के शर्मा, अशोक दुलानी मामा आदि मौजूद रहे। मोहन वॉच एंड मोबाइल। अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन,
मैं मोहन वचन मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वचन मोबाइल पे आपकी अपनी दुकान, जहाँ आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। जिदा स्मार्ट अजमेरियन संस्था, अभी पिछले जब से लॉकडाउन लगा है और ये कोरोना महामारी आई है, तब से लगातार लोगों को हेल्प पहुंचाने की, उनकी सहायता करने का काम कर रही है। और उसी क्रम में आज हमने पड़ाव के अंदर जो रैन बसेरा, उसके आसपास जो झुग्गी झोंपड़ी हमारे लोग वाग रहते हैं, उनको राशन के किट वितरित किए हैं, जिसमें कि आटा, दाल, चावल, पोहे, साबुन आदि हैं। और ये करीब 15 परिवारों को हमने आज वितरित किया है। और ये कार्य हमारा पिछले करीब 2-3 महीने से लगातार चल रहा है, जहाँ से भी हमें लगता है कि इन लोगों को सहायता की जरूरत है, तो स्मार्ट अजमेरियन की हमारी पूरी टीम वहाँ पर पहुँचती है और जो भी मदद हमसे उनकी हो पाती है। किन किन के सहयोग से यह कार्यक्रम किया जाता है? ये पूरे संस्था के लोग हैं, हमारे संस्था के लोगों की सहयोग। संस्था में कौन कौन लोग हैं? संस्था में हमारे अध्यक्ष हैं सोना धनवानी है, मैं उपाध्यक्ष हूँ, गिरीश भाई हैं, ननवानी हैं, अशोक भाई हैं, और भी काफ़ी लोग संस्था से जुड़े हुए हैं। कितने दिनों से आप सेवाएं कर रहे हैं? ये हमारी कम से कम मान के चलो आप पिछले जब से लॉकडाउन लगा 30-35 दिन से लगातार हमने जहाँ पर कच्ची राशन सामग्री की वितरण करने की जरूरत थी वहाँ कच्ची राशन वितरण किया। लगातार हमने एक हफ्ते तक करीब तैयार खाने के पैकेट पूरे अजमेर में हम लोग गाड़ी लेके घूमते थे दोपहर के टाइम में 1 बजे, और जितने भी लोग सड़क के किनारे बैठते थे जिनको भोजन की जरूरत होती थी उनको भोजन वितरित किया जाता है। और कच्चे सामग्री के भी हमने करीब 400-500 लोगों को अभी तक सहायता पहुँचा दी। आज भी जैसे कहा कि 15 लोगों को 15 परिवार यहाँ पे रहते हैं। जो स्मार्ट स्मार्ट अजमेरियन की तरफ से करीबन हम 40 दिन से रोजाना 25-30 किट बांटते हैं। आज हमने मोइना स्कूल के पास लोहार बस्ती में 15 किट बांटे, जो कि यह कार्य तो बहुत अच्छा समाज से किया जा रहा है। हम सब मिलकर आपस में करते हैं। इसके अंदर सोना धनवानी, मनीषा असरानी, जय बचानी, सभी ने बहुत पूरा सहयोग दिया। दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में 25 किलोमीटर स्टील पेयजल पाइपलाइन डालने के कार्य का विधायक अंडा बदेल ने किया शुभारंभ। अर्जुनलाल सेठी नगर क्षेत्र में 2.25 किलोमीटर और खनिज नगर, परिवहन नगर, केसरी कॉलोनी में 2.25 किलोमीटर स्टील पाइपलाइन डलने से पेयजल समस्या का होगा स्थायी समाधान। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत PHET द्वारा नई स्टील पाइपलाइन डलवाए जाने के कार्य का विधिवत शुभारंभ अर्जुनलाल सेठी नगर से किया गया। दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में दक्षिण विधायक अनिता बदेल के आतिथ्य में पंडित पुरोहितों ने विधिवत पूजा अर्चना के साथ स्टील पेयजल पाइपलाइन डालने के कार्य का शिलान्यास किया। इस मौके पर विधायक अनिता बदेल ने बताया कि अर्जुनलाल सेठी नगर क्षेत्र में 2.25 किलोमीटर और खनिज नगर, परिवहन नगर, केसरी कॉलोनी में 2.25 किलोमीटर, कुल मिलाकर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में 25 किलोमीटर स्टील पाइपलाइन डाली जानी है। उन्होंने इस कार्य के लिए केंद्र सरकार व केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बताया कि उनके ही प्रयासों से इन क्षेत्रों में पेयजल समस्या का स्थायी समाधान होने जा रहा है। इस मौके पर स्थानीय पार्षद देवेंद्र सिंह शेखावत, आदर्श मंडल अध्यक्ष अरुण शर्मा सहित मंडल पदाधिकारी व भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वचन मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वचन मोबाइल पे आपकी अपनी दुकान, जहाँ आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। स्मार्ट सिटी के तहत अजमेर दक्षिण में डाली जाने वाली नई स्टील की पाइपलाइनों का शुभारंभ आज अर्जुनलाल सेठी नगर से किया गया है। अर्जुनलाल सेठी नगर में 2.25 किलोमीटर नई स्टील की पाइपलाइन डाली जाएंगी। इसके बाद लगभग 2.5 किलोमीटर स्टील की पाइपलाइन विज्ञान नगर में, परिवहन नगर, खनिज नगर और केसरी कॉलोनी। इस तरह से लगभग 2 जो हमारे जोन है, 73 नंबर का जोन और 4 नंबर का जोन,
इनमें 25 किलोमीटर के आसपास लाइनें डाली जाएंगी। मुझे लगता है कि इन नई लाइनों के डलने से आने वाले समय में गर्मी की ऋतु में लोगों को बहुत अच्छे से प्रेशर से पानी मिल सकेगा और पेयजल की समस्या से उनको निजात मिलेगी। मैं माननीय केंद्र सरकार का और हमारे जल शक्ति मंत्री माननीय गजेंद्र सिंह जी का और शहरी विकास मंत्री का धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने स्मार्ट सिटी में इस प्रोजेक्ट को लिया है, जिससे अजमेर के पेयजल की समस्या को दूर किया जा सकता है। शिलान्यास समारोह के बाद विधायक अनिता बधेल नारीशाला रोड विज्ञान नगर पहुंची, जहां क्षेत्रवासियों द्वारा उन्हें गुणवत्तापूर्ण काम नहीं होने की शिकायत देकर बुलाया गया था। विधायक अनिता बधेल ने क्षेत्र का दौरा कर नगर निगम और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अधिकारियों को बारिश से पूर्व सड़क नाली सीवरेज के लंबित कामों को गुणवत्तापूर्ण ढंग से संपन्न कराने के निर्देश दिए। उन्होंने क्षेत्रवासियों को भी बताया कि विकास के लिए थोड़ी सी परेशानी तो उठानी ही पड़ेगी। गौरतलब है कि नारीशाला रोड बाड़िया से लेकर खानपुरा सीवरेज प्लांट तक सीवरेज का कार्य जारी है, जिसके तहत सड़क को खोदा भी जा रहा है। उन्होंने सीवरेज लाइन डालने के साथ ही सड़क निर्माण कार्य भी समय से पूरा कराने के लिए निर्देशित किया। नगर का जो ये मुख्य मार्ग है नारीशाला रोड, इस मुख्य मार्ग पर सीवरेज का काम चल रहा है। चूंकि ये सड़क आज से 15 साल पहले बनी थी और आप देख रहे हो कितनी सीमेंट कंक्रीट की सड़क है, कितनी मोटाई है इसकी, और सीवरेज को लेकर के भी कुछ भ्रांतियाँ थी कि जो सीवरेज का पाइप है वो छोटा है, पर अभी मैंने पता किया वो सफिशियंट है। लेकिन सड़क जैसे खुद रही है उसी तरह से सड़क बने, ये लोगों का, यहाँ के निवासियों का आग्रह था। तो मेरी बात हुई है सीवरेज स्मार्ट सिटी के लोगों से भी और नगर निगम के लोगों से भी, क्योंकि ये सीवरेज नगर निगम का काम है, स्मार्ट सिटी में काम चल रहा है, इसलिए स्मार्ट सिटी की जिम्मेदारी है कि वो उसी प्रकार से उसी भांति रोड बना के दे। तो जितनी भी गलियों में ये डलनी है लाइनें, उसमें रोड भी बनेगा और उसी क्वालिटी का बनेगा जिस क्वालिटी की रोडें अभी वर्तमान में बनी हुई हैं। तो इसी बात के आग्रह के लिए लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया था और मैं उनके आग्रह को सुनने के लिए आई। तो मैंने देखा वास्तव में सीवरेज का काम चल रहा है, पर अभी काम रिपेयर, सड़क का रिपेयर का काम अभी शुरू नहीं हुआ है। ये सड़क का रिपेयर का काम सीवरेज डलने के बाद में शुरू होगा। तो बारिश से पहले ये हो जाए ताकि किसी प्रकार की दुविधा ना हो, कोई खड्डे में ना गिरे और ठीक प्रकार से ये रोड वापस आवाजाही के लिए उपलब्ध हो सके। कौन सी जगह है ये? नारीशाला रोड है जो बाड़िया से लेकर के हमारे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को जाने वाला मार्ग है, वो मुख्य मार्ग। मैम क्षेत्रवासियों में थोड़ी सी नाराजगी भी है उसमें। नाराजगी तो रास्ता रुक रहा है, रास्ता तो ये छोटी रोड है। आप देखिए भैया कैमरे से एक बार हटिए भैया, ये इतनी छोटी रोड है और बीच में ये इतने चौड़े में, इतनी चौड़ाई में हटना, तो भैया इतनी चौड़ाई में ये खुद रहा है यहाँ से यहाँ तक। तो ये 4 फीट रोड यहाँ बची है, 4 फीट रोड यहाँ बची है। तब इससे छोटी रोड पर काम करेंगे तो ये मशीन की चौड़ाई देखिए आप, इतनी चौड़ी मशीन है और ये मुश्किल है इसकी खुदाई, फिर भी जैसे भी से खुद रहा है। फिर आपके द्वारा समझाया गया तो मैं क्या कर सकती हूँ बताइए ना, इसमें क्या हो सकता है आप खुद भी बताइए, मीडिया भी देख करके जज कर सकता है इसमें क्या हो सकता है। अब इसमें समय तो लगेगा ही, पर इतनी फास्ट जेसीबी से पोकलेन मशीन है, ये पोकलेन से काम हो रहा है, जेसीबी से भी नहीं हो रहा है, और पीछे से फिल करते हुए आ रहे हैं। तो अब लोगों को तो विकास भी चाहिए और परेशानी भी नहीं हो, तो दोनों चीज़ें नहीं हो सकती। वार्ड 75 पंचशील नगर के सी ब्लॉक में रहने वाली शिक्षिका के घर में लगी आग, एसी में शॉर्ट सर्किट होने से लगी आग से घर का काफी सामान जलकर हुआ राख, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। रविवार रात पंचशील नगर सी ब्लॉक वार्ड नंबर 75 में रहने वाली सेंट स्टीफन स्कूल की शिक्षिका समीक्षा शर्मा के घर में अचानक आग लग गई। आग लगते ही शिक्षिका समीक्षा घर से बाहर निकल आई और पड़ोसियों को सूचना दी। इतने में ही वार्ड पार्षद रमेश चेलानी भी मौके पर पहुंचे और फायर ब्रिगेड को इत्तला कर दी। तब तक एहतियातन पूरी बिल्डिंग की लाइट बंद कर दी गई। कुछ ही देर में फायरमैन ब्रजकिशोर के साथ उनकी टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने के प्रयास किए। कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि आग से कमरे में रखा पलंग व उसमें रखा सामान जलकर राख हो गया, वहीं पानी डालने से भी काफ़ी सामान का नुकसान हुआ है। समीक्षा शर्मा ने बताया कि वे रात को गर्मी के कारण एसी चलाकर सोने ही वाली थी, तभी उसमें से चिंगारियां निकलने लगी और आग लग गई। इतने में वह बिल्डिंग से नीचे आ गई और घर की सभी लाइटों को बंद कर दिया। इस आगजनी में कोई जनहानि नहीं हुई है। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन,
मैं मोहन वचन मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में चार दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वचन मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान जहाँ आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। इसी चलाया था, उसमें शॉर्ट सर्किट से आग लग गई और जैसे ही आग लगी पड़ोसियों को आवाज लगी और मैं बाहर निकल के आ गई और बाकी जो अंदर सारा नुकसान आपने देखा। कोई जनहानि हुई मैम इसमें? हाँ जी, नहीं जनहानि कुछ भी नहीं हुई है और बाकी एसी, पंखा, डबल बेड। तकरीबन मैम कितने का नुकसान हो गया? सामान क्या नहीं हुआ? सामान तो अभी तो कुछ आइडिया ऐसे तो नहीं बता सकते, और हाँ 2-4 लाख का नुकसान हुआ। मैम आपका बटन ऑन करके मैं किचन में पानी लेने आई थी। सामान का किया जाएगा, कितना नुकसान? सी ब्लॉक से कॉल आई कि यहाँ समीक्षा मैडम के घर आग लग गई है, तो हमने तुरंत फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया और हम भी यहाँ पहुँच गए, फायर ब्रिगेड वाले भी पहुँच गए और तुरंत स्थिति को संभाला और फायर ब्रिगेड वालों ने आग बुझाई और थाने पे भी फ़ोन किया, थाने वाले भी आए और यहाँ के पदाधिकारी तुरंत पहुँच गए और सारी स्थिति को संभाल लिया, लाइट बंद करवा दी यहाँ के और सारी आग बुझा दी है और स्थिति का जायजा ले रहे हैं कि कितना नुकसान हुआ है, जनहानि नहीं हुई। फायरमैन ब्रज किशोर ने बताया कि उन्हें पंचशील नगर में सिलेंडर फटने की सूचना मिली थी, जिस पर वे तत्काल अग्निशामक वाहन लेकर मौके पर पहुंचे, जहां एसी में आग लगना पाया गया और कुछ ही देर की मशक्कत के बाद आग को बुझा दिया गया। सर हमें सूचना मिली थी 8:30 के लगभग कि एक मकान में आग लगी हुई है, सिलेंडर फट गया के वहाँ से गाड़ी हमने तुरंत रवाना करी। मौके पे यहाँ पहुँचे तो एसी में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी हुई थी, एक कमरा जिसके अंदर बेड और एसी, पंखा, ये लोग ये सब जल के राख हो गए। आग काबू में, कंट्रोल कर ली गई है बिल्कुल 100%। इसके अंदर कोई जनहानि हुई सर? नहीं सर, जनहानि कुछ नहीं, सिर्फ ये बेड वगैरह और एसी ये इन्हीं का नुकसान है। किस एरिया में सर ये? पंचशील सी ब्लॉक सेंट स्टीफन के पीछे की साइड में मकान। कांग्रेस सेवा दल महासचिव पार्षद द्रौपदी कोहली गरीब परिवारों को मुहैया करा रही है भोजन। सेवा दल महिला पुरुष कार्यकर्ता कर रहे हैं निस्वार्थ सेवा। राजस्थान कांग्रेस सेवा दल की महासचिव वार्ड 44 की पार्षद द्रौपदी कोहली द्वारा सेवा परमो धर्म के तहत पंडित जवाहरलाल नेहरू की 57वीं पुण्यतिथि के अवसर पर वार्ड में प्रतिदिन चलाई जा रही है महात्मा जनता रसोई से गरीब बीपीएल परिवारों एवं आर्थिक रूप से पिछड़े लगभग 500 से 600 परिवारों को खाना बनाकर वितरित किया जा रहा है, जिसमें सेवा दल की महिला कार्यकर्ता एवं पुरुष कार्यकर्ता पूरा सहयोग कर रहे हैं। भामाशाह व आर्थिक रूप से संपन्न लोगों द्वारा दी जा रही मदद व सहयोग से महात्मा जनता रसोई का संचालन निर्बाध रूप से किया जा रहा है। द्रौपदी कोहली के अनुसार सेवा दल के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की मंशा कोई भी गरीब भूखा ना सोए के अनुसार प्रदेश कांग्रेस सेवा दल अध्यक्ष हेम सिंह शेखावत के निर्देशानुसार यह कार्य कर रहे हैं। कोविड-19 की सरकारी गाइडलाइन की पूरी पालना करते हुए शुद्धता का ध्यान रखते हुए भोजन का निर्माण व वितरण किया जा रहा है। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। जो ये अपने चल रहा है कार्यक्रम, जो खाने पीने की, जो राजीव गांधी जी की जयंती 21 मई को, जब से ही हमारे लॉकडाउन लगा, लेकिन हमने 21 मई से रसोई चालू कर रखी है। जनता महात्मा गांधी रसोई ये सेवा दल के सामने में चल रही है, सेवा दल की महिलाएं काम कर रही है, सेवा दल के पुरुष काम कर रहे हैं और सामान्य कार्यकर्ता यहाँ के जो वार्ड के हैं वो भी यहाँ काम कर रहे हैं। कितने लोगों का खाना डेली का बनाते हैं यहाँ पर? कम से कम नहीं तो 600 से 700 लोगों का खाना बन जाता है। ये कौन कौन लोग हैं जो क्या वार्ड के ही हैं, वार्ड के अलावा भी आप? कई तो पूरे वैसे तो वार्ड के ही हैं, लेकिन 50-100 ऐसे व्यक्ति भी आते हैं जो दूसरे वार्ड से भी आते हैं, जो गरीब है, जिनके खाने की कोई व्यवस्था नहीं है, वो लोग भी यहाँ खाना लेना आते हैं। किन लोगों का सहयोग रहता है इसमें आपकी? इसमें हमारा सहयोग रहता है, जैसे हमारे वार्ड के कई लोग ऐसे हैं जो अपनी इच्छा से कुछ भी दे जाते हैं, कोई चावल दे जाता है, कोई सब्जी दे जाता है। ऐसे अपने वार्ड के लोग हैं जो संपन्न लोग हैं, वो यहाँ पर अपनी रसोई में मदद भी कर देते हैं।
मैडम कई ऐसे लोग हैं जो मतलब जैसे सामने नहीं आ पाते हैं, उन लोगों के लिए क्या व्यवस्था रहती है? हमने उनके ना ये व्यवस्था करी है कि उनके घर घर जाके खाना देकर आते हैं। जैसे कई बार कोई गरीब लोग हैं जो सामने लेकर लाइन में लेकर नहीं ले सकते खाना, लेकिन स्थिति उनकी बहुत ख़राब है, खाने की स्थिति नहीं है, तो हम उन लोगों के यहीं के लोगों को हमने लगा रखा है जिससे कि वो उनके घर जाके खाना देते हैं। हमारे वार्ड 44 की हमारी डॉक्टर कॉलेज द्वारा ये रसोई चलाई जा रही है, महात्मा जनता रसोई का नाम दिया गया है इसे, और गरीबों के लिए बहुत ही अच्छा मतलब खाना स्वच्छ और मतलब अच्छा बनाया जा रहा है। प्रत्येक घर पे जाकर के कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए प्रत्येक घर पे जाकर के हमारे जो सेवा दल के कार्यकर्ता हैं वो जाकर के बांटते हैं, और सेवा दल की जो महिलाएं हैं 15-20 वो अपनी स्वेच्छा से ये अपना सहयोग दे रही है इसमें, और मतलब बहुत ही अच्छा चल रहा है ये सबके सहयोग। कितने लोगों करीब खाना बनना हो डेली? ये 500-600 लोगों के करीब लोगों को खाना बन रहा है। कुछ ऐसे कई लोग हैं जो शर्म के मारे नहीं आ पाते, लाइन में नहीं लग पाते हैं, उन लोगों के लिए आप लोग घर घर जाकर के उनको देते हैं मतलब खाना वितरित करते हैं। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonin.com सच के साथ।